एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। डीएलएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अम्लक्षारक एवं लबड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए आप हमारे डीएलएस एजुकेशन से और आप 95% लाने के लिए आप पूरी तैयारी हमारे डीएलएस एजुकेशन से करिए और आप दूसरों को भी कहिए कि हमारे डीएलएस एजुकेशन से जुड़े, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बच्चों, हम बात करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आप देखने के लिए बहुत ही इच्छुक होंगे। तो बच्चों, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो बच्चों, आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगी, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, इसका आंसर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट नंबर जैसा कि दिया है, कवक, लीचेंड, जिम्नोस्पर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इन चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बच्चों, सूचक की तरह इस्तेमाल कौन सा नहीं किया जाता इसमें से, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बताने हैं। हल्दी, मिथिल ऑरेंज या फिनोलेथेलिन या मूली, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। जल्दी से आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर मूली, मूली जो होता है उसे सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक चीज ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधी सूचक नहीं है। बच्चों, आपको ये देखना है कि गंधी सूचक नहीं है। अभी तक तो केवल सूचक की बात कर रहा था, अब बात कर रहा है कि गंधी सूचक नहीं है। कौन सा गंधी सूचक, मतलब कि जिसमें कोई स्मेल ना होती हो, जिसका कोई भी मतलब कि महक ना हो, ठीक कि ऐसे सूचक कौन नहीं है। तो प्याज में या वैनिला में या शकरकंद में या लौंग में। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं और सभी लोग घर में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो शकरकंद में कोई भी इसमें नहीं होती है, प्याज में भी होती है, वैनिला में भी होती है और लौंग में तो बिल्कुल होती है, लौंग के तेल में। तो बच्चों, शकरकंद में नहीं होता है। इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारिक अम्ल है, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि द्विक्षारिक अम्ल कौन सा है। तो आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करिए और अगर नहीं पता तो आप इसका आंसर देखते रहिए। ये H2SO4, ठीक है, ये H2SO4 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। H2SO4 को आप सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम, मैं आपको बता दूं कि पोटास एलम जो होते हैं उसे हम फिटकरी कहते हैं, ठीक है। ये फिटकरी को भी पोटास एलम कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों, ये फिटकरी जो है वो होते हैं कैसे लवड़ होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको आप जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। एक साधारण लवक है या मिश्रित लवड़ है या अम्ली लवड़ है या फिर द्विक लवड़ है। तो बच्चों, इन चारों में से इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, द्विक लवड़ है। ना साधारण लवड़ है, ना मिश्रित लवड़ है और ना ही अम्ली लवड़ है, ये एक द्विक लवड़ है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन में अम्लीय होते हैं या फिर ये ज़्यादा आयनित होते हैं या कम आयनित होते हैं या फिर ये C OOH समूह रखते हैं, इसलिए हम इन्हें मतलब एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल कहते मतलब होते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से, जल्दी से आपको गैस करके बताना है, समझना है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा बच्चों। तो आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों है, किस लिए है, इसका रीज़न क्या है। तो
बच्चों, इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवड़ कौन है? तो बच्चों प्रबल लवड़ कौन सा है आपको बताना है। तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर हम ये कह सकते हैं ये LiCl और BaSO4, ठीक है। तो इन फोर ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। NaCl को मालूम है आपको, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरिलियम सल्फेट एंड लिथियम क्लोराइड, तो इन फोर में से कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रबल लवण होते हैं वो NaCl लवण, LaCl को हम नमक भी बोलते हैं और ये नमक का फार्मूला है। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्ली लवड़ बनाते हैं या बनाएंगे? अम्ली लवड़ एक से अधिक कौन से लवड़ बनाएंगे? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है? CH3COOH, S3PO4 या फिर CH3CH2COOH या फिर ZNO। तो इन फोर में से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही है, S3PO4, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक विलयन किसी नीले लिटमस का लाल, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विघटन से बनता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया या फिर बी और सी, दोनों। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर अमोनिया बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि जो एमिनो अम्ल होता है वो विखंडन से बनता है, ठीक है, कौन? अमोनिया, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब आपको ये बताना है कि एक स्वपोषी पोषण के लिए क्या सबसे आवश्यक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि एक स्वपोषी को अपना पोषण बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये है कि इन तीनों की, चारों की आवश्यकता होती है हमें भोजन को बनाने में। तो इसलिए इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों? तो चाइल का अवशोषण होता है, बच्चों चाइल का अवशोषण किस में होता है? इलियम में, जेजुनम में या कोलन में या फिर रेक्टम में। तो इन फोर में से इसका आंसर क्या सही होगा बेटा? इलिलियम में। तो ए नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही है। आप बिना सोचे समझे इसका आंसर लगा दीजिए, इलिलियम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? ठीक है, तो अवशोषी अंग जो होता है वो आहार नाल की कौन सी अंग है? तो बच्चों सीकम या अपेंडिक्स या जेजुनम या फिर कोलन। तो इन फोर में से इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, कौन सा? बी नंबर आप बिल्कुल सही लगाइए, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना सोचे और समझे जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो इन फोर ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बेटा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जल्दी से आप बता दीजिए कौन सा आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बच्चों सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप सी नंबर में बिना सोचे समझे आंसर टिक कर दीजिए, सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध होते हैं? तो बच्चों निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध है आपको बताने हैं।
ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो बच्चों इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है, इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर पे टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन युग्म समावयवी है। तो बच्चों ए नंबर सही है या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। अब जल्दी से आप गैस करिए कि आयरन फोर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये युग्म समावयवी है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एथेनॉल की क्रियाशील मूलक है। तो बच्चों एथेनॉल की जो क्रियाशील मूलक होती है वो कौन सा है, OH समूह, CH समूह या COOH समूह या फिर 7CO समूह। तो कौन सा क्रियाशील मूलक है, तो मैं आपको बता दूं कि OH एथेनॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप बिना सोचे समझे एथेनॉल में टिक कर लीजिए, सॉरी OH में टिक कर लीजिए, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो बच्चों सहसंयोजी यौगिक हम किसे मानेंगे, मेथेन को, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सहसंयोजी यौगिक कौन सा है बच्चों, मेथेन है। मेथेन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको आंसर पता था तो आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने है कि COOH समूह जो होता है, ठीक है, वो अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कीटोन समूह या एल्डिहाइड समूह या फिर हम ये कह सकते हैं कि अम्ल ईथर या ईथर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इन चारों में से अम्ल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। इस समूह को, क्रियाशील मूलक को हम क्या कहते हैं, ठीक है, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल या कोई नहीं। बच्चों अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए अपने नाम के साथ कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह क्रियाशील मूलक को हम क्या कहते हैं, CHOO, मतलब CHO क्रियाशील मूलक को आप क्या कहते हो, एल्डिहाइड कहते हो, ठीक है। तो इसको हम एल्डिहाइड समूह कहेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा बी नंबर, और बिना सोचे समझे आप आंसर नहीं बताइएगा। अगर आपको मालूम है तभी आंसर बताइएगा, आप तुक्का नहीं मारिएगा बच्चों। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। ओके थैंक यू।